जय सियाराम, जय हनुमान जी। मंगल भवन अमंगल हारी, तब हंस दशरथ अजर बिहारी। प्रेम मगन मनु जानि न को, करि विवेक धरि धीर। बोले हो मुनि पद नाय सिरो, गद गर गिरा गंभीर। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरा धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा, कहूं नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। ब्रह्मजु निगम नेत कही गावा, उभय बेस धर किया सुयावा। हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण है या किसी राजवंश के चालक, अथवा जिनका वेदों ने नीत कहकर गान किया है, कहीं वो ब्रह्म तो युगल रूप धारण करके नहीं आए हैं। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिम चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछे सति भाऊ, कहो नाथ जन करहु दुराऊ। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुक्त हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत निश्चल भाव से पूछता हूँ कि हे नाथ, बताइए, छिपाव ना कीजिए। इन्हें बिलोकत अति अनुरागा, बर बस बम्भ मुख ही मन त्यागा। कह मुनि बिहस कहो न पुनी का, बचन तुम्हार न हो ये अली का। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम से बस होकर मेरे मन में जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक यथार्थ ही कहा है, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ये प्रिय सबई जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काय राम सुन बानी। रघुकुल मन दशरथ के जाए, ममहित लाग नरेश पठाए। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी प्रिय हैं। मुनि को रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी के मन में ही मन मुस्काए और हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब उन्होंने कहा, हे रघुकुलमणि, महाराज दशरथ के पुत्र हैं, मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम लखन दो बंधवर रूप सील बल धाम, मख राख्यो सब साखी जगु जीते असुर संग्राम। ये राम और लक्ष्मण दोनों शेष भाई रूप सील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि उन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तब चरण देख कह राऊ, कहि न सको निज पुण्य प्रभाऊ। सुंदर श्याम गौर दो भाता, आनंद हूँ के आनंद दाता। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौरव वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनके प्रीत परस्पर पावनी, कही न जाय मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव यू सहज सनेहु। इनकी आपस की प्रीत बड़ी पवित्र और सुहावनी है, वो मन को बहुत भाती है पर वाणी से कही नहीं जा सकती है। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे ना सुने, ब्रह्म और जीव की तरह इसमें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभु चितौर नर नाहु, पुलक गात उर अधिक उछाहु। मुनि प्रशंस ही नाय पद शीशु, च
चले हो लवायो नगर अवनीसु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, देश यहाँ से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में गिरकर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। सुंदर सदन सुखत सब काला, तहाँ बासुलय दीन भुआला। करी पूजा सब विधि से उकाई, गयो राहु ग्रह विंदर कराई, विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहाँ राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। मंगल भवन मंगल हारी, तब से दशरथ अजर बिहारी। ऋषय संग रघुवंश मणि, कर भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भाता सहित, दिवस रहा भरिजाम। रघुकुल के शिरोमण प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लाल साबिशेखी, जाय जनकपुर आय देखी। प्रभु भय बहुर मुनि सकुचाई, प्रगट न कहें मन ही मुस्काई। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देखाएं, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते। मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता ही अहुलसानी। परम विनीत सकुच मुस्कानी, भोले गुरु अनुशासन पाई। अंतरमयी श्री रामचंद्र जी छोटे भाई के मन की दशा जान ले, तब उनके हृदय में भक्त वत्सला उमड़ आई। वे गुरु जी की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सक जाते हुए मुस्कुराते हुए बोले। नाथ लखनपुर देखन चाहई, प्रभु संकोच डर प्रकट न कही। जो राउर आयुष मैं पायो, नगर दिखाय तुरंत ले आयो। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पर्श नहीं कर कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं इसको नगर दिखाकर तुरंत ही वापस ले आऊँ। सुनि मुनीष का वचन सप्रीति, अकस न राम तुम राखहु नीति। धर्म हेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। यह कहकर मुनीश्वर विश्वामित्र ने प्रेम सहित वचन कहे। हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे ता, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। जाय दे मंगल भवन मंगल हारी, तब हुस दशरथ अजर बिहारी। जाय देख आयो नगर सुख निदान दुभाय, करो सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाय। सुख के निदान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ, अपने सुंदर मुख दिखाकर सब नगर निवासियों के नेतों को सफल करो। मुनिपद कमल बंद दो भाता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक बंद देखे अति शोभा, लगे संग लोचन मन लोभा। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना कर चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। पीत बसन परिकट कटिम भाथा, चारु चाप सर सुहत हाथा। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गर मनोहर जोरी।
दोनों भाइयों के पीले रंग वस्त्र, कमर के पीले दुपट्टों के तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष, बाण सुशोभित है। श्याम और गौरवण के शरीर के अनुकूल अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक फबे, उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खौर लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। के हरि कंधर बाहु विशाला, उरे अति रुचिर नाग मणिमाला, सुभग सोन सर शिरोह लोचन, बदन मयंक ताप तय मोचन। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्त की माला है। सुंदर लाल कमलों के समान नेत्र, तीनों तपों से छुड़ाने वाले चंद्रमा के समान मुख है। कौने कनक फूल छब दे हैं, चित वही चित ही चूर जन ले ही, चित वही चार भगुटी बर बाकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। कानों में सोने से के कण कण फूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वाले चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन देश बड़ी मनोहर है और भव्य तिरछी एवं सुंदर है। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसे सुंदर है मानो मूर्ति रूपी शोभा पर मुहर लगा दी है। मंगल भवन या मंगलहारी, तबहुस दशरथ अजर विहारी, रुचि चौतनी सुभग सिर में, चक कुंचित के नख सिख सुंदर बंद दो शोभा सकल सुदेश। सिर पर सुंदर चौकनी टोपियां दिए हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर सिख तक, एड़ी से चोटी तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी है। देखन नगर भूपत आए, समाचार पुरवासिन पाए, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। जब पुरवासियों का ये समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब प्रकार घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री धन का खजाना लूटने दौड़े हो। निरखि सहज सुंदर दो भाई, होय सुखी लोचन फल पाई, जुबति भवन झरो कहीं लागी, निरकहीं राम रूप अनुरागी। स्वभाव से सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेतों का फल पाकर खुशी हो रहे हैं। युवती स्त्रियाँ घर के रुखों में लगी हुई हैं, प्रेम सहित प्रेम श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। कहीं परस्पर बचन सप्रीति, सखी इन कोटि काम छबि जीती, सुर नर असुर नाग मुन माही, शोभा अस कहूँ सुनिया तिनाही। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छब को जीत लिया है। देवता मनु ससुर नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने भी नहीं आई। विष्णु चार भुज विदमुख चारी, विकट वेश मुख पंच पुरारी, अपर देव वस को नाही, ये छबि सखी पट तरिय जाही। भगवान विष्णु के चार भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के चार मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक वेश और उनके पांच मुंह हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इन छवि की उपमा दी जाए। मंगल भवन मंगलहारी, तब हुस दशरथ अजर बिहारी। जय सियाराम, जय जय सियाराम, जय हनुमान।